नमस्कार दोस्तों, टेक चैंपियन किंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, यदि आपके पास एक जियो का 4G सिम है और आप अपने 4G सिम को 5G में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने 4G सिम को ही 5G में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने 4G सिम के अंदर ही 5G की अनलिमिटेड इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप भी अपने 4G सिम को 5G में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों आज मैं आपको दो सेटिंग बताऊंगा, इन दो सेटिंग को करने के बाद आपका जो 4G सिम है वो 5G में कन्वर्ट हो जाएगा और आप अपने 4G सिम के अंदर ही अनलिमिटेड इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको दोस्तों पहले नंबर की सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, आपको दोस्तों अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिम एंड नेटवर्क सेटिंग। ठीक है, इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपका जियो का पुराने वाला सिम है, 4G सिम है, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक्सेस पॉइंट नेम। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 3 लाइन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको क्या काम करना है, इसको यहाँ से रिसेट कर लेना है। रिसेट करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो 5G का न्यू APN क्रिएट करना है, जिससे आप अपने 4G सिम के अंदर ही 5G अनलिमिटेड इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, आपको करना क्या है, यहाँ पर एक प्लस का आइकन देखने को मिल जाएगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, नेम में नोट सेट। ठीक है, आपको क्या काम करना है, यहाँ पर दोस्तों जियो ट्रू 5G आपको यहाँ पर डाल देना है, इस तरीके से जियो ट्रू 5G। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं बताऊंगा ना, इस तरीके से आप अपने 4G जो सिम है ना उसको 5G में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो इंटरनेट है ना वो भी दोस्तों फास्ट स्पीड में चलेगा आपका। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना है जियो ट्रू 5G। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन है APN में, आपको यहाँ पर लिखना है जियो जियो अनलिमिटेड नेट। ठीक है, इस तरीके से अनलिमिटेड नेट। ठीक है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर नीचे आना है, सर्वर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप जो अपने मोबाइल फोन के अंदर सर्वर का इस्तेमाल करते हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है। आपको यहाँ पर डालना है www.google.com, ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब दोस्तों आपको नीचे आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा, ऑथेंटिकेशन टाइप। ठीक है, आपको इसी पर क्लिक करना है और इसको PAP और CHAP पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों APN प्रोटोकॉल में आना है, IPv4 IPv6। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा बैरियर का। ठीक है, आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों ये आपका यहाँ पर रहेगा अनसर्टिफाइड, अब इसको आपको हटा लेना है। इसको आपको कर देना है LT, HSPAP, HSPA, HSUPA, HSDPA। आपको दोस्तों अपने यहाँ पर इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, सभी को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों जो आपका 4G सिम है वो 5G में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको आपको ओके कर लेना है और ऊपर सही के निशान पर आपका यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। ठीक है, और आपको कर लेना है इसको इस पर सेलेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये आपकी पहले नंबर की सेटिंग है। ठीक है, अब दोस्तों आपको दूसरे नंबर की सेटिंग करनी है अपने मोबाइल फोन के अंदर। दोस्तों एक एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है जियो की। ठीक है, माई जियो एप्लीकेशन। ठीक है, उसको आपको यहाँ पर नंबर डालकर इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब दोस्तों इस एप्लीकेशन का इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है, अब ध्यान से समझना। ठीक है, आपको नीचे आना है। दोस्तों जो आपका मोबाइल नंबर है 4G, ठीक है, उसके सामने यहाँ पर एक एरो का निशान दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आना है। ठीक है, आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ध्यान से समझना। आपको दोस्तों पहले ये चेक करना है कि जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर 5G नेटवर्क अभी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तभी आप दोस्तों अपने 4G जो सिम है ना उसको 5G में कन्वर्ट कर पाएंगे। आपको यहाँ पर 5G कवरेज चेक का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर क्या काम करना है, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी जो है सिटी का, उत्तराखंड का नाम लिख लेना है, आप जिस भी एरिया में सिटी में रहते हैं। अब दोस्तों आप उत्तराखंड में कहाँ पर रहते हैं, बहादुराबाद, बाजपुर, बनसपा। ठीक है, आपके यदि यहाँ पर जिस एरिया में आप रहते हैं उसका नाम आ रहा है ना, तो आप अपने 4G सिम को 5G में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है,
यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, चैक 5G रेड लाइन्स, ठीक है। आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, हैंडसेट 5G कंपैटिबिलिटी। दोस्तों अब यदि आपका जो मोबाइल फोन अपडेट नहीं है ना, उसको पहले सबसे पहले आपको अपडेट करना है। वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको अपडेट करना है, ठीक है। यदि आपका फोन अपडेट है ना, तो आपको आई अपडेटर पर क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा, हैंडसेट 5G सेटिंग, ठीक है। ये सेटिंग आपको करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। आपको गो टू सेटिंग में आना है। गो टू सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको उसी में नेटवर्क सेटिंग में ही आना है फिर से, ठीक है। आपको उसी सिम पर क्लिक करना है, 4G सिम पर। और यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप, ठीक है। आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर ये आपका अभी होगा 4G, ठीक है। आपको कर लेना है इसको 2G 3G 4G 5G ऑटो पर सेलेक्ट, ठीक है। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर से उसी एप्लीकेशन के अंदर ही आना है, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप अपने 4G मोबाइल फोन को 5G में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना दोस्तों, फिर से आपको उसी के अंदर आना है। यहाँ पर फिर से उसी एरो के निशान पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और दोस्तों आपको नीचे ही आना है फिर से, वहीं पर उसी सेटिंग पर ही। ध्यान से समझना दोस्तों, आप यहाँ पर चेक 5G रेड लाइंस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करना फिर से दोस्तों, इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, आई अपडेटर पर क्लिक कर देना है। और ये सेटिंग दोस्तों आपके सामने यहाँ पर फिर से इस तरीके से हो जाएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हो, ग्रेट योर 5G रेडी, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोस्तों अपने 4G सिम को ही 5G में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को दोस्तों एक प्यार सा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों एक प्यार सा कमेंट भी जरूर करना, ठीक है। दोस्तों चलिए, आपका दिन शुभ हो।